आज ही के दिन सन 1947 में हमारा देश स्वतंत्र हुआ था। इस दिन को स्वतंत्रता दिवस कहते हैं। स्वतंत्रता दिवस हमारा राष्ट्रीय पर्व है। अमित और दीपा आज बहुत खुश हैं। उनके विद्यालय में चारों तरफ खुशी का वातावरण है। बच्चे स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए इकट्ठा हो गए हैं। कुछ देर बाद विद्यालय में तिरंगा झंडा फहराया जाएगा। विद्यालय में कई दिनों से स्वतंत्रता दिवस की तैयारियां चल रही थीं। बच्चों को देशभक्ति के गीत सिखाए जा रहे थे। अमित, दीपा, सीमा और नवीन ने देशभक्ति पर नाटक तैयार किया है। स्काउट और एनसीसी के बच्चे भी पूरे जोश में हैं। वे सलामी देने के लिए तैयार खड़े हैं। कुछ बच्चे संगीत अध्यापक के पास खड़े हैं। वे राष्ट्रगान और सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गीत गाएंगे। विद्यालय के प्रांगण में मंच बनाया गया है। वहां मुख्य अतिथि और विद्यालय के प्रधानाचार्य जी बैठेंगे। इस कार्यक्रम के संचालक हमारे हिंदी अध्यापक श्री शकील चौहान जी हैं। जैसे ही मुख्य अतिथि महोदय और प्रधानाचार्य जी मंच की ओर बढ़े, वैसे ही संचालक महोदय ने सभी बच्चों को सावधान होकर खड़े होने को कहा। मुख्य अतिथि ने आते ही झंडे की डोरी खींच दी। देखते ही देखते तिरंगा हवा में लहराने लगा। संगीत अध्यापक ने हारमोनियम पर राष्ट्रगान की धुन बजाई। सभी उपस्थित लोगों ने धुन के साथ राष्ट्रगान गाया। इसके बाद सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठ गए। मुख्य अतिथि महोदय ने भाषण दिया। उन्होंने स्वतंत्रता दिवस के महत्व को बताया। देशभक्तों के बलिदानों को याद किया गया। बच्चों ने देशभक्ति के गीत गाए। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आंख में भर लो पानी। गीत को सुनकर सबकी आंखें नम हो गई। अमित, दीपा, सीमा और नवीन का नाटक आजादी सबको पसंद आया। मुख्य अतिथि ने होशियार बच्चों को पुरस्कार दिए। अंत में मिठाई बांटी गई। इस तरह विद्यालय में स्वतंत्रता दिवस बहुत उत्साह से मनाया गया।